श्री राम श्री पेट्री लेके पानी मार दे। अरे जाओ ना दे दो दिया आपको जल्दी भीड़ मत करो। अरे चल बाबा चलिए भाई चलिए कहाँ पे जैसे बहुत गरीब पूरा घंटे गिरे जाते हैं। हाँ वही तो बस तो साफ़ यार तेरी करो अभी अभी
पहले एक भी नहीं खुल रहा है, जो दो मांग रहे हैं हम लोग मर जाएंगे। लगाओ पहले इसको, अगर यही दिल कर रहा आओ मैं लगाने की चाहता हूँ। अगर आगे कौन आ जाओ आप क्या कर लो आपको आइए शायद आपको लगता है ये आसान लाइफ है, ये देखो पूरा खुला हो जाता है, ये यहाँ करेगा। बस अगर आप ही नहीं एक दूसरे की समझेंगे तो कौन समझेगा? मास्क नहीं है, मास्क है ना, ठीक है। अब शाम में आ जाइए, दूसरे मकड़े हेलो उधर आगे आ जाओ, अरे बाबा हटो, आगे आ जाओ, यहां छोड़ दो, आगे आ जाओ। इस लाइन का मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं पता, आप बंद कर दो। अरे भाई साहब क्या होगा, सुन नहीं रहे आप? एक और को पीछे हो, ऐसे नहीं होगा। सामान आ गया, इसको लेने का जरा दूसरा मत खराब हो रहा। अरे रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, चाचा रुक जा, ऐसे बीच में नहीं नहीं देंगे तेरे को कहीं ना कहते, वहां रुक जाओ अभी 2 मिनट में भाई, चलो चलो चलो, एक रोटी खा बस, चलो क्या एक रोटी खा, चल भाई चल यार, चल 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 क्यों पिट रहा है स्टाफ के? चलो यहाँ दूर दूर रहो, दूर दूर रह के चलो, यहाँ इसके यहाँ के खड़े हो चलो, चलो रोड से कोई नहीं, फुटपाथ से कोई नहीं, चलो भाई यार चलते रहो, चलो अरे इधर खड़ी हो जाओ, ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चलो चलो चले यार Thank you.
और बताना नहीं जा तू फुटबॉल को मैंने अपने एक में हाथ दिया अरे वहां आता है भाई फिर पीछे चल ले लिया भाई रुक जा तो थोड़ी देर वहां खड़े रहो भाई चलते रहो जल्दी करो डबल डबल मत कर लाइन में आ जाओ वहाँ ऊपर से चढ़ रहे हो तो पीछे दे रहे हैं ना उधर दे रहे हैं बाहर मस्त दर्शन मिलते हैं विजय ज़्यादा ही कदर होने लगे अभी आज कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे दो दो लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो समस्या होती है भैया एक मिनट को इधर हो जाओ तुम आपने आप लोग लाइन में हो लाइन में है ना 83 हां चलवा बस चलो आगे आगे बढ़ो आओ जल्दी हां हां चल चल चलो भैया चलो चलो एक ही दी चलिए 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 भैया चलिए चलो इधर अब भैया सीधा क्या फोन आ रहा है पहले सबको हो जाएंगे ना हाँ हाँ चलो चलो चल भाई चल चल चलो भाई चलो कल से लैंड माना अच्छा लगता है बोलना ठीक है प्लीज रिक्वेस्ट आपसे लैंड माना अच्छा बाहर आ जाओ लो बाहर आ जाओ यार हेलो
थोड़ा जगह बना के भेजना, बहुत चीते जा हटा ले अभी हटा ले। सुन तू गाली देना जो कोई बोल लेना तो स्पीकर पास रख लियो। उनके गाइडलाइंस से और कृष्णा जी जो हमारे प्रभारी है उनके निर्देश जो सारी चीज़ें चल रही है। आज का त्रासदीवा दिन है, लगातार थाना भागते से लेकर स्टेशन पर जहाँ भी श्रमिक ट्रेन जा रही है थाना भागते हैं, उसके बाद भी कुछ बिस्किट कोल्ड ड्रिंक पानी का फीट बांटते हैं। और जिन जिन लोगों को अफवाह लेके यहाँ से बिहार की भी बहुत सराहना होने वाली है उसका टाइम भी हम आपको बता देंगे। लगातार लोगों को भेजने का काम या देश के किसी भी कोने के जरूरत पर श्रमिक या मजदूर लोगों उसको भेजने का।
कर रही है किसी भी हॉस्पिटल में हो, ब्लड चाहे हॉस्पिटल में कुछ किसी दिक्कत आ रही हो, उन सब चीज़ों में युवा कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भेज कर खुद जाकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और बाकी लोग को मदद करने का काम करते हैं और इस काम में जितना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। उधर से ही चल, उधर से, उधर से चलो भैया, चलो चलो आगे भैया खड़े हैं, हमें मत कहना प्रॉब्लम आपको कहने भैया 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 हेलो 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 भैया कहाँ सही 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 सर इधर आइए इधर आइए दादा बोलो मत दादा से दो मिनट के लिए मौन धारण करो बोलो लगातार 82 दिन से भी अधिक हो गए आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें हजारों की संख्या में लोग आज आपातकाल की स्थिति में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय इसी आप से आते हैं कि लगातार भारतीय युवा कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार आपातकाल के पीड़ित हर व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सुबह से लेकर रात दिन रात देश भर में जहाँ पर भी कोई व्यक्ति उम्मीद करके भारतीय युवा कांग्रेस से संपर्क साधता है लगातार इसी तरह के किचन इसी तरह के भोजन वितरण पूरे देश भर में हमारा ये कार्य चल रहा है। आप देखेंगे चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे ड्राई राशन बांटने की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर आपातकाल की स्थिति में लोगों को ब्लड के माध्यम से भी मदद पहुंचाने की बात हो और लगातार इस तरीके से भोजन वितरण की बात हो। और आप ये देख सकते हैं कि देश की राजधानी है और संसद से चंद कदमों की दूरी पर लगातार 3 महीने के करीब का समय हो गया है लेकिन आज भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कहीं से कोई सहायता उपलब्ध हो रही है तो भारतीय जनता आप देख सकते हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग लगातार 80 दिन से अधिक दिन का समय हो गया है जब भारतीय युवा कांग्रेस के बाहर लगातार इसी तरीके से भोजन का कार्यक्रम होता है और देश भर में लगातार भारतीय युवा कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के कार्यक्रम कश्मीर से लेकर चला रही है। चाहे बात हो राशन उपलब्ध कराने की, चाहे ड्राई राशन की बात हो, चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे भोजन वितरण करने की बात हो, लगातार भारतीय युवा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता आपातकाल की स्थिति में COVID-19 के इस भीषण आपातकाल के समय में लगातार भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है। चाहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात रही हो, चाहे उनको समय पर भोजन वितरण कराने की बात हो, चाहे लगातार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जाने वाले प्रवासी भारतीयों के दूसरे प्रदेशों में जाने की बात हो, लगातार भारतीय युवा कांग्रेस देश की जनता की मदद के लिए सदैव तत्पर है और अपनी कांग्रेस पार्टी की परंपरा का निर्वहन कर रही है। आप देख सकते हैं कि 80 दिन से अधिक समय के बाद भी संसद से चंद कदमों की दूरी पर हजारों लोगों की भीड़ बताती है कि आज भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। अगर कहीं से मदद मिल पा रही है तो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे वो मास्क बांटने की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन के माध्यम से आपातकाल में अस्पताल में मरीजों की मदद करने की बात हो, चाहे ड्राई राशन की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, लगातार भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने देश की जनता के लिए लगातार। हेलो नमस्कार, थैंक यू भैया। ये कौन सा वो है, ये कौन से? अच्छा आप छोड़ा बैठ मत करो, निकालो इसको, यहाँ पे 20 बंदे गिनो, हमारी हेल्प कराओ तो लगाओ फिर उसको। Thank you.
सरकार का।